हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और मेरे साथ है गीकी रंजीत। हेलो गाइस। किसी के पास बजट, काफी लोग पूछते हैं कि 50,000 के बजट में मुझे कंप्यूटर खरीदना है तो मैं कौन सा खरीदूं, और मैं तो बोलता हूं भाई अब तो 42,000-43,000 में आपको मैकबुक एयर ही मिल जाता है। आ रहा है क्या 50 के नीचे? हाँ, अभी तो मतलब काफी सारे ऑफर्स आते हैं हर दो महीने में। अच्छा, वो हाँ, सेल में, हाँ, सेल। कभी बिलियन डे बोलते हैं, कभी मिलियन डे बोलते हैं, कुछ ना कुछ करके वो अपना माल बेचते हैं। एवरी डे इज अ सेल डे। तो मैं तो लोगों को यही ओपिनियन करता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 का बजट है, यू हैव मैक मिनी या फिर हाँ मैकबुक, अगर आपका खाली जनरल यूजेज है, वेब ब्राउजिंग करना है, थोड़े डॉक्यूमेंट्स लिखना है, ये करना है, तो आप मैकबुक एयर ले लो। लेकिन अगर आपका कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि रह सकता है कुछ अकाउंटिंग अकाउंटिंग के जो है, जैसा टैली वगैरह वगैरह काफी लोग यूज करते हैं, वो सिर्फ विंडोज पे चलता है। बूटस्ट्रैप मतलब एक और स्टेप हो गया ना। हाँ, लेकिन जो हार्डवेयर का मजा रहेगा ना इसके अंदर। हाँ, मतलब मेरे पास भी अभी इतना पतला लैपटॉप, अभी भी मेरे पास मैकबुक एयर है। हाँ। जो मेरी वाइफ को मैं देके रखा हूँ, मेरा करीबन 2014 का मॉडल है, सिर्फ 4GB रैम के साथ है और अभी भी बढ़िया चलता है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि पुराना लैपटॉप भी है, लिटरली 3 साल के बाद दोस्तों यहाँ पर। इनफैक्ट एप्पल पैसे नहीं देता, आपको स्पॉन्सरशिप नहीं करता, एटलीस्ट इंडिया के अंदर कर दो ना। पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमारी यूजर एक्सपीरियंस बाहर आ रहे हैं। लाख रुपए दे के भी आपको तकलीफ होती है और यहाँ पर आप 40,000 के लैपटॉप। मैं सीरियसली यार इतना एक्साइटेड था ये माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस के लिए। अमित ने मुझे मना करा था, मत डालो इतने पैसे, सुना नहीं मैं। लाइक नहीं नहीं नहीं, ये बेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब मैं इनफैक्ट ये सोच रहा हूँ कि अगर एप्पल ये किकस्टैंड काइंड ऑफ वर्जन लेके आए अपने मैकबुक एयर के लिए ना, 11 इंच के साथ, देयर बी नो अदर कंप्यूटर। अरे आईपैड में भी लगा दो किकस्टैंड। iPad is again a mobile version. यहाँ पे अगर फुल फ्लेश कंप्यूटर मिल जाता है, फ्लाइट के अंदर सिर्फ उसको घुमा दो and start using like the yoga tablets. हाँ, वो अच्छा है विंडोज टैबलेट में, जैसे योगा वोगा जो फॉर्म फैक्टर है, बट वापस वो विंडोज में आया विंडोज में आपके मैक में। लेकिन आपको मतलब वही है प्रॉब्लम की रिजिडिटी है, हम सिर्फ ये 2 या 3 मॉडल बेचेंगे, लेना है उन्होंने तो झट मारो, वही एटीट्यूड है एप्पल का। बट देन यू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोलता हूँ, अगर ये मेरा है, मैं क्यों मैक यूज करता हूँ भाई, मेरा जो वीडियो एडिटिंग है ये पूरा है, वो मैं फाइनल कट प्रो पे करता हूँ। हाँ भाई, अडोबी प्रीमियर भी है ये है, लेकिन मैं फाइनल कट से बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत फास्ट एडिटिंग होती है और ये सिर्फ मैक पे चलता है। यही बात होती है दोस्तों, यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट, मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट है यार, मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट। लोग बोलते हैं अगर मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट, विंडोज में भी अच्छे सॉफ्टवेयर मिलते हैं भाई, वो हमें सेट नहीं होते, जिसको जो सेट हुआ वो उसकी मर्जी है। अब मैं कार अगर चलाता हूँ, मेरे को ऑटो ट्रांसमिशन ही चलता है, लोग बोलेंगे यार उसमें माइलेज कम आएगी, इट डजंट मैटर, दैट्स समथिंग व्हिच इज माय चॉइस, यू कांट जंप ओवर सेइंग लाइक यू आर गेटिंग समथिंग लेस बिकॉज ऑफ योर चॉइस। No, I'm getting my Windows. What I want. Windows के भी जो video editing software use करा था, लेकिन यार मेरे को adjust नहीं हुआ। Exactly. नहीं कहता हूँ कि विंडोज में नहीं है, जैसे अडोबी ये प्रीमियम है, दोनों पे चलता है, मैक पे भी चलता है, विंडोज पे भी चलता है, काफी लोग यूज करते हैं, लेकिन मेरे जो सेटअप है, मेरा फ्लो, जल्दी जल्दी वीडियो निकालने का, दो दो वीडियो कभी कभार पर डे, फाइनल कट फास्टर लगा मुझे। और इनफैक्ट विंडोज का ये भी प्रॉब्लम है, अभी भी मैंने देखा था रिसेंटली विंडोज 10 कंप्यूटर्स, ऑल ऑफ अ सडन प्रेजेंटेशन चल रहा था और वहां पे रिस्टार्ट का वो आ गया स्क्रीन और आप उसको बेचारे को प्रेजेंटेशन रोकना पड़ा। मैक में एक ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बहुत सिस्टमैटिक होती है, यू कैन हाँ, लेकिन डिले द अपडेट, एक चीज तो वो है, लेकिन मैक का जो अपफ्रंट कॉस्ट है हाँ ज्यादा है, वो तो अग्री करना पड़ेगा। बट मैं मानता हूँ, अब आप, मैंने ये 60,000 रुपए दिए थे, आपने जैसे 2014 में आपने दिए होंगे, थोड़ा ज्यादा था, जब ज्यादा 73 या कुछ था, ठीक है 73, 2014, अभी ये 2018 आ गया, एक 4 दिन के अंदर, ऑलमोस्ट 3.5 years एंड इट्स स्टिल लाइक न्यू। अच्छा, अगर आप एक डेल एचपी का लैपटॉप लेते हो जो उस तरह का फॉर्म फैक्टर के साथ मिलना भी मुश्किल है, जिसमें 10 घंटे बैटरी मिले, प्रीमियम सीरीज है, क्या वो 3 साल 4 साल के बाद इतना ही फास्ट रहेंगे? यहाँ पर आता है सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन हार्डवेयर के साथ, और वो एप्पल वहां पे बहुत लीड करता है। विंडोज और इनका तो मतलब सिस्टम ही अलग है, हार्डवेयर कोई और बना रहा है, सॉफ्टवेयर कोई और बना रहा है, बस वो तो वही है। तो वही मैं बोलता हूँ यार, हर एक जैसा बोलते हैं लोग, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग रहता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि काफी कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं मैक या लो, यार आप चेक करो, क्योंकि थोड़े जो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यूज करते हैं कैड कैम के जो है, वो सिर्फ जो है विंडोज में अवेलेबल है। अगर आपका वैसा रिक्वायरमेंट है तो यार विंडोज ही लेना पड़ेगा, आप मैक का मैं नहीं लूंगा, फिर आपको बूट कैम डालना पड़ेगा, बूट कैम में बूट करके यूज करना पड़ेगा, हमें वो चलेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ यार उससे अच्छा फिर जो आपको सेट हो वो ले लो। और विंडोज के भी अच्छे जो लैपटॉप्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, वो भी लाख के आसपास के, लाख लाख के ऊपर, मतलब जो बढ़िया सॉफ्टवेयर इक्विवेलेंट टू योर, बढ़िया हार्डवेयर क्वालिटी वाला, इक्विवेलेंट टू योर मैक, अगर आप उस लेवल पे जाते तो फिर तो ठीक है, वरना तो 10,000 में भी विंडोज लैपटॉप मिलता ही है, हु केयर्स। हां है 25, आप लो उसके बाद आप बोलोगे कि यार मैंने गलती क्या कर ली, आपको बाद में पछतावा होगा, स्क्रीन क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, एसएसडी ड्राइव नहीं रहेगी, काफी चीज है यार।
सो ओवरऑल पॉइंट यही है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर, अगर आपका बजट अलाउ करता है, अगर आप यूज कर सकते हैं एप्पल के सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हो एप्पल के साथ। एक बार आप एप्पल के मैक या फिर जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटिंग लाइनअप में, जो स्टेबिलिटी जो है भाई, आई विल टेल यू टेक्निकली भाई, स्टेबिलिटी जो है मैक की क्यों ज्यादा है, इट्स बेस्ड ऑन यूनिक्स, एंड यूनिक्स जो है बेसिकली इट इज वेरी वेरी स्टेबल। मतलब अगर एक एप्लीकेशन टोटली भी क्रैश हो गया, यू कैन जस्ट उसको किल कर दो, आप बाकी का काम करो, फर्क भी नहीं पड़ेगा। रिलायबिलिटी है, कहीं भी आप लेके जाओ आपको भरोसा है कि कुछ लॉस नहीं होगा, या विंडोज कंप्यूटर में को भरोसा एटलीस्ट अभी के लिए तो उड़ गया। मैं मेरे मैक्स को, अमित आई डोंट नो अबाउट यू, मैं पावर ऑफ नहीं करता, सिर्फ जो ये लिड है ना बस ऐसा खोलता हूँ, काम हो गया बस बंद कर देता हूँ, और मेरे को ट्रस्ट है कि यार क्रैश नहीं होगा, और अभी सालों से ऐसा यूज कर रहा हूँ विंडोज के उसमें। इसके बाद क्या बोलूं मैं, कितने बार क्रैश हुआ वो तो बोलना ही नहीं चाह रहा हूँ, जो लाख रुपए का था, मतलब सस्ता भी नहीं था। सो आई थिंक गाइज यही पर आपको जवाब मिल गया है क्यों हम लोग मैक यूज करते हैं, और क्यों हम लोग एक साथ अप टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि ये होता है लॉन्ग टर्म रिले। हाँ मतलब 3 साल तक आप जो आपने लैपटॉप लिया, मेरे ख्याल से करीबन 3 साल तक जरूरत नहीं है आपको अपग्रेड करने। एग्जैक्टली, सो फ्यूचर प्रूफ जो बोलते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 साल तो आराम से आपके निकल। मेरे 2012 का मैकबुक प्रो अच्छा, खराब हुआ है अब। हाँ मैकबुक प्रो रेटिना 2012, अभी 5 साल होने आए हैं, अब खराब हो गया है। सो टेक्निकली यहाँ पर आपको जवाब, खराब मतलब हुआ क्या उसमें, डिस्प्ले इश्यू आया जो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके अलावा सिस्टम इज परफेक्टली वर्किंग, एक्सेप्ट डिस्प्ले में फ्लिकरिंग इश्यूज आ गए हैं। अच्छा, तो आप उसको चेंज करने के कुछ 50,000 मांग रहे हैं, 1.5 लाख का लैपटॉप। ये प्रॉब्लम है भैया आपके साथ, जो रिपेयर कॉस्ट है वो भी खतरनाक रहते हैं। Well, quality comes at a price, तो ठीक है। So I think that's it for now, guys. I hope कि आपको आप हमारा point of view better लगा, आपको समझ में आया कि हमारा point of view क्या है और क्यों इतना investment कोई भी बंदा एक professional आप सोच रहे हो professional जो है like क्यों कोई भी जो बंदा कर रहा है invest, यार उसको भी अक्ल है, वो कमा रहा है, वो जबरदस्ती क्यों ज्यादा पैसे डालेगा अगर उसको नहीं मिल रहा है। हाँ, कोई डम तो नहीं है। और मैं तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ यार, स्पेंड करने के बाद मतलब लेसन मिल गया अभी मुझे, बोल सकते हो आप। एक गलती अच्छी गलतियों से सीखने मिलता है टेक्निकली, एक्सपेंसिव गलती थी ना। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, अगर आपको हमारा ओपिनियन अच्छा लगा, अगर आपके पास कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन हमें पूछ सकते हैं। रंजीत का चैनल है youtube.com/geekyranjit और हमारा है youtube.com/phonerada। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब रहिए फोन रेडा के ऊपर कुछ ऐसे वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस।